हाय गाइस, माय नेम इज सैयद मोहम्मद शमोलिस और आप इस वक्त ये वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एनईडी यूनिवर्सिटी में और मैं यहाँ से आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया और हायर एजुकेशन कमीशन को इसके ऊपर काफ़ी गहरा यू कैन से एनालिसिस करना चाहिए और उनको चाहिए कि अपने करिकुलम्स को रिविज़िट करें और देखें कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम्स को मीट कर रहे हैं या नहीं। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ पे फोकस कर रही हैं या फिर हम वही 1970 और 1950 वाली जो बुक्स हैं या वही करिकुलम है जो कि आई कॉल इट कि यार वही घिसा पिटा कॉन्टेंट हमारे पास मौजूद है जो कि आउटडेटेड हो चुका है, हम उसी को फोकस करते हुए पढ़ रहे हैं और ऐसी ब्रीड निकाल रहे हैं जो कि किसी काम की नहीं है और इंडस्ट्रीज़ को उस ग्रेजुएट की ज़रूरत नहीं है जो कि ये तमाम कंटेंट पढ़कर आता है और अपडेटेड नहीं है। यानी मॉडिफाइड कंटेंट हमारे स्टूडेंट्स के पास मौजूद नहीं है, करिकुलम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जॉब सिक्योर्ड नहीं है, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, उनका जॉब इसको कह सकते हैं आपके जॉब एक्विजिशन जो रेशो है दैट इज़ वेरी वेरी लो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारी यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी कंसर्न लोग हैं एजुकेशन से रिलेटेड यार उनको ये चाहिए कि डू रिविज़िट योर करिकुलम, देखें और रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ के ऊपर लेकर आएँ और लोगों को स्किल्स भी सिखाएं। डिग्रीज़ के साथ साथ स्किल्स होने चाहिए। स्टैंड अलोन स्किल इज़ ऑफ नो यूज़, स्टैंड अलोन डिग्री इज़ ऑफ नो यूज़, इसकी बेसिस के ऊपर आपको जॉब नहीं मिलेगी या आपको बहुत अच्छी जॉब्स नहीं मिल सकती। आज मेरे पास काफ़ी सारे रिक्रूटर्स आते हैं, इवन आई यूज़ टू डील विद द स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं, जब उनसे इंटरव्यूज़ या प्री स्क्रीनिंग की जाती है दे आर नॉट केपेबल टू अपेयर इन द इंटरव्यू, इवन उनको सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाए जाते, उनको ये नहीं बताया जाता कि किस तरह से वो अपने करियर को प्रोग्रेस करें, कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनको वो सीख कर और हमारी करंट जॉब मार्केट को फुलफ़िल कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो बहरहाल एनीवेज भाई सीन कुछ ऐसा ही है कि अगर आपको समझ में आता है कि भाई इसके ऊपर कुछ देख लेना चाहिए, कुछ इसके ऊपर एक्शंस होने चाहिए और कुछ इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हम लेंगे और उसको हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो भाई इट्स अ फ्रेंडली एडवाइस फॉर एवरी वन ऑफ द जो कंसर्न लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो सुन रहे हैं भाई इस वीडियो को। तो भाई आई होप कि एक अच्छा शॉर्ट मैसेज आप तक पहुँच गया एंड इफ़ यू थिंक डू शेयर इट विद द कंसर्न पीपल एंड वोट फॉर मी, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।